शैतान सेंटा। पेरिपोना बड़े बड़े पहाड़ों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा खूबसूरत गांव था। गांव के सारे बच्चे काफी छोटे और प्यारे प्यारे थे। क्रिसमस की छुट्टियां थी। बच्चे क्रिसमस को लेकर काफी एक्साइटेड थे और क्रिसमस की ही बातें कर रहे थे। बातें करते करते क्रिसमस ट्री सजाया जा रहा था। आज खिड़कियां खुली रखकर ही सोना। आसमान से उड़ते उड़ते सांता खिड़की में आएगा और हमारे लिए ढेर सारे गिफ्ट्स और मिठाइयां छोड़कर जाएगा। हाँ मुनमुन ठीक कह रही है। जब मैं बहुत छोटा था तब मैं बहुत डरता था, हमेशा खिड़की बंद रखता था। लेकिन मुझे सांता से कभी कुछ नहीं मिला। लेकिन पिछले साल क्रिसमस के दिन मैंने खिड़की खुली रखी तो सांता मेरे लिए बहुत कुछ छोड़ कर गया। इस प्रकार बातें करते करते शाम से रात हो गई और सारे बच्चे खाना खाकर अपने अपने कमरे की खिड़की खुली रखकर सो गए। क्रिसमस की रात पेरिपोना रोशनी में जगमगा रहा था। सभी के यहाँ क्रिसमस ट्री चमचमा रहे थे और ऐसे खूबसूरत माहौल में एक सांता पहाड़ों से होता हुआ पेरिपोना की तरफ अपनी पोटली लेकर गाता झूमता हुआ जा रहा था कि तभी अचानक रोशन आसमान काला पड़ गया। पेरिपोना के सभी घरों के लाइट्स अचानक बुझ गए और चारों ओर अंधेरा छा गया। ओ गॉड, जिसका डर था वही हो रहा है। लगता है क्रिसमस को नोच खाने शैतान आ रहा है। गॉड, मेरे बच्चों की रक्षा करना। तभी काले आसमान से उड़ता हुआ काले काले कपड़े पहना हुआ शैतानी सांता असली सांता के पास आया और सांता को उठाकर फिर से आसमान की गहराई में गायब हो गया। मुझे छोड़ो ब्लैक, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। गॉड से डरो ब्लैक। जो गॉड तुम सबकी रक्षा नहीं कर सकता, उस गॉड से मैं क्यों डरूं? ऐसा कहकर उस काले शैतान सांता ने असली सांता को नीचे छोड़ दिया और जोर जोर से हंसने लगा। मुनमुन की खुली खिड़की सांता का इंतजार कर रही थी। मुनमुन अपने कमरे में आराम से सो रही थी कि तभी उसकी खिड़की में शैतानी सांता आकर बैठ गया। मुनमुन आंखें खोलो, आंखें खोलो मुनमुन। मुनमुन झट से उठकर अपने बिस्तर पर बैठ गई। उसके पसीने छूट रहे थे। ओह गॉड, कितना भयानक था वो सांता। ऐसा सांता तो मैं सपने में भी नहीं देख सकती। तभी मुनमुन ने खिड़की में देखा तो सांता की एक पोटली वहाँ पड़ी थी। अरे वाह, सांता तो मेरे लिए पूरी पोटली ही छोड़ गया है। मुनमुन पोटली के पास गई और जैसे ही उसने पोटली में हाथ डाला, लाल पोटली अचानक काली बन गई और अंदर से कोई उसका हाथ पकड़कर उसे पोटली के अंदर खींचने लगा। आ, बचाओ, बचाओ मुझे, आ, बचाओ, बचाओ। लेकिन उसकी चीख पुकार किसी ने नहीं सुनी क्योंकि उसके घर में कोई भी नहीं था। सभी घर वाले बच्चों को सांता के भरोसे छोड़कर कहीं बाहर चले गए थे। मुनमुन चिल्लाती रही और धीरे धीरे पोटली के अंदर फंसती चली गई और थोड़ी ही देर में पोटली में कैद हो गई। आसमान से उड़ता हुआ शैतान खिड़की में आकर बैठ गया और उसने वहां से पोटली उठा ली और खिड़की से बाहर छलांग लगाकर वो आसमान में गायब हो गया। शैतान सांता पेरिपोना के आसमान में किसी भयानक पंछी की तरह पोटली लेकर घूम रहा था। हर खुली खिड़की से अंदर जाकर हर बच्चे को पोटली में डाल रहा था और इस प्रकार उसने पेरिपोना के सारे बच्चे उठा लिए और वो आसमान से उड़ता हुआ दूर किसी अंधेरे पहाड़ की गुफा में जाकर छिप गया। इधर गांव वाले बातें करते हुए घूम रहे थे कि तभी उन्होंने जमीन पर घायल सांता को देखा। ओ गॉड, रक्षा करना, रक्षा करना गॉड। सांता उठो, तुम ठीक तो हो? तुम्हारी ये हालत किसने की? मेरी फिक्र छोड़ो, मेरा शैतान भाई सारे बच्चों को उठा कर ले गया, वो उन्हें नहीं छोड़ेगा। तुम ये क्या कह रहे हो? बताने का टाइम नहीं है, बस ये समझो कि मेरा एक भाई था ब्लैक,
जिसे बच्चों से बहुत नफरत थी, वो अब शैतानी ताकत का मालिक है। इतने साल से वो सो रहा था, आज जाग गया है और मेरी ये हालत करके जरूर तुम्हारे बच्चों को गुफा ले गया होगा। ये सुनकर सभी गांव वाले रोने लगे। ये रोने का समय नहीं है, वो बच्चों के साथ कुछ उल्टा सीधा कर दे, उससे पहले ही हमें हमारे बच्चों को बचाना है। गॉड हमारे साथ है, चलो। फिर क्या, तभी गांव वाले जलती हुई मशाले लेकर आधी रात में सेंटा के पीछे पीछे पहाड़ चढ़कर उस गुफा के सामने पहुंचे, जहां शैतानी सेंटा बच्चों को लेकर छिपा हुआ था। अंदर उसने सारे बच्चों को पोटली से आजाद किया था और अब वो बच्चों को मारने ही वाला था। सारे बच्चे रो रहे थे। मम्मी पापा बचाओ हमें, बचाओ मम्मी पापा, बचाओ हमें, बचाओ हमें, मम्मी पापा बचाओ। वो अंदर ही है, चलो उसे मारकर बच्चों को छुड़ाते हैं। नहीं, गुफा के अंदर हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वो अंधेरे का राजा है, उजियाला से डरता है। हमें जंगल को आग लगानी है, एक साथ इतना सारा उजियाला देखकर वो मर जाएगा। फिर सेंटा ने शैतान को आवाज लगाई। ब्लैक बाहर आ, अंदर कायरों की तरह छिपकर क्यों बैठा है? और थोड़ी देर बाद ही शैतान गुफा से बाहर आया। उसने सबके हाथों में मशाले देखी। आग दिखाकर मुझे डराना चाहते हो, अब देखो मैं क्या करता हूँ। ऐसा कहकर उसने आसमान में छलांग लगाई और बादल हिलाए। तेज बरसात शुरू हुई और सबकी मशालें बुझ गई और अंधेरा छा गया। शैतान हंसने लगा। देखा, मैंने फिर से अंधेरा कर दिया। लेकिन उसने ऊपर आसमान से देखा, एक मशाल अभी भी जल रही थी। वो असली वाले सांता की मशाल थी। तुम्हारी मशाल क्यों जल रही है? क्योंकि मैं तुम्हारी तरह शैतानी नाली का गंदा कीड़ा नहीं हूँ, मैं गॉड का बच्चा हूँ। गांव वालों, यही मौका है, मेरी मशाल से अपनी मशाले फिर से जलाओ और जंगल जला दो। ये नीचे नहीं आएगा और ऊपर से इतनी रोशनी भी नहीं सह पाएगा, ये थोड़ी ही देर में तड़प तड़प कर मर जाएगा। फिर क्या, गांव वालों ने सांता की मशाल से अपनी अपनी मशाले जलाई और जंगल को आग लगा दी। देखते ही देखते आग भड़क गई और गांव वाले सांता को लेकर अंदर गुफा में अपने बच्चों के पास छिप गए। आग और रोशनी की वजह से सांता बना शैतान आसमान में इधर उधर उड़ने लगा, तड़पने लगा और थोड़ी ही देर में नीचे जलते हुए जंगल में गिरकर भस्म हो गया। भूतिया डाकिया, ये बात उस जमाने की है जिस जमाने में मोबाइल नहीं थे, इंटरनेट नहीं थे, सोशल मीडिया भी नहीं था। एक दूसरे से बात करने के लिए लोग एक दूसरे को खत लिखा करते थे। डाकिया घर घर जाकर खत बांटता था। ये कहानी उस जमाने की है जिस जमाने में डाकिया लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा हुआ करता था। रघु नाम का एक डाकिया था। वो दिन भर साइकिल से शहर की हर गली घूमता था और घर घर खत बांटता था। रात का समय था, आखिरी खत बचा था। रघु अपनी साइकिल लेकर खत देने चला गया। आज तो बहुत रात हो गई, घर गया तो बीवी जरूर डांटेगी। रघु पते पर पहुंच जाता है। डाकिया आया है, डाक लेकर आया है। अंदर से ना कोई जवाब आता है और ना कोई दरवाजा खोलता है। सुनो, आपका खत आया है, लगता है सब सो गए। रघु दरवाजे पर टक टक आवाज करता है तो दरवाजा अपने आप खुल जाता है। रघु अंदर जाता है तो दरवाजा बंद हो जाता है। लगता है कोई गड़बड़ है। कोई है? मैं डाकिया, डाक लाया हूँ। तभी एक चुड़ैल हंसती हुई अंधेरा चीर कर रघु के सामने आ जाती है। चुड़ैल को देखकर रघु अंदर से तो बहुत डर जाता है, लेकिन बाहर से होशियारी से पेश आता है। लगता है मैं गलत घर में आ गया हूँ, माफ कीजिए। चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। तू एकदम सही घर आया है, कई सालों से मैं इस मकान में बंद पड़ी थी,
तुमने ये दरवाजा खोलकर मुझे आजाद कर दिया। बहुत अच्छा काम हो गया मेरे हाथों से। भगवान मुझे दुआ देगा। मैं चलता हूँ। ऐसे कैसे जाने दूँ? हाँ? तुम्हारा इरादा क्या है? दरवाजा तो तूने खोल दिया, अब मुझे बाहर घुमाओ, बाहर की दुनिया दिखाओ, मेरे खाने का प्रबंध करो। ये मैं कैसे कर सकता हूँ? बहुत आसान है, मैं तुम्हारे शरीर में घुस जाती हूँ। चुड़ैल रघु के शरीर में घुस जाती है और रघु जोर जोर से हंसने लगता है। रघु घर आता है। पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। पापा क्या हो गया आपको? कहाँ मर गए थे? इतनी रात हो गई, घर क्यों नहीं लौटे? रघु घर का दरवाजा बंद कर देता है और जोर जोर से हंसने लगता है। शराब पी ली क्या? हंस क्यों रहे हो? मैं रघु नहीं, चुड़ैल हूँ। ये सुनकर रघु की पत्नी और उसका बेटा कांपने लगते हैं। रघु अपने बेटे को और पत्नी को मार देता है और उनका खून चूस लेता है। सुबह होती है, रघु साइकिल लेकर डाक पहुंचाने निकल पड़ता है। डाकिया आया है, डाक लाया है। एक औरत दरवाजा खोलती है। क्या लाए हो, मनी ऑर्डर या खत? तुम्हारी मौत लाया हूँ। क्या बक रहे हो? रघु औरत को दबोच लेता है और घसीटता हुआ अंदर ले जाता है। दरवाजा बंद हो जाता है। रघु औरत का खून चूसकर औरत को मौत की नींद सुला देता है। डाकिया आया है, डाक लाया है। इस प्रकार रघु घर घर डाक देने के बहाने जाता था और घर के सभी सदस्यों का खून चूसकर उन्हें मार देता था। इस प्रकार रघु डाकिया का आतंक पूरे शहर में फैल चुका था। डाकिया का नाम सुनकर लोग कांप जाते थे। घर के बाहर कोई डाकिया आए तो भी कोई दरवाजा नहीं खोलता था। इधर डाक ऑफिस से भी रघु का आतंक फैल चुका था। वो डाक लेने ऑफिस आता तो कोई भी उसे रोकने की चेष्टा नहीं करता, क्योंकि सबको मालूम था कि रघु डाकिया नहीं रहा, चुड़ैल का वाहक बन चुका है। एक दिन रघु डाक ऑफिस से डाक लेकर निकल जाता है। तभी डाक ऑफिस में एक खत लिए डिटेक्टिव करण आता है। ये खत मेरे घर पर किसने छोड़ा था? डाक मास्टर खत देखता है। यह खत रघु ने छोड़ा है। आपको शर्म नहीं आती? एक खूनी डाकिया पाल रखा है तुम लोगों ने। उस दरिंदे ने डाक देने के बहाने मेरी पत्नी को मार डाला। यह डाक मैंने उसे दिल्ली से भेजा था। उसका कोई जवाब नहीं आया तो घर आकर देखा, पत्नी मर चुकी थी। डाकिया ने मारा है उसे। आप कौन है? मैं डिटेक्टिव करण, दिल्ली में रहता हूँ। आप दिल्ली में रहते हो इसलिए आपको शहर के हालात मालूम नहीं है। डाक मास्टर करण को सब हकीकत बताता है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उस डाकिये को। रघु को मत मारिए साहब, वह तो अच्छा आदमी है, बस चुड़ैल के जंगल में फंसा है। कहाँ मिलेगा वो? डाकिया आया है, डाक लाया है। घर का दरवाजा खुलता है और डिटेक्टिव करण बाहर आ जाता है। अंदर आ जाओ, मुझे धूप से एलर्जी है। रघु अंदर आता है तो करण दरवाजा बंद कर लेता है। दरवाजा बंद करने का हक तो मेरा है। मैं जानता हूँ तू एक चुड़ैल है, डाकिये का इस्तेमाल करके बहुत लोगों को तूने मारा है। कौन हो तुम? डिटेक्टिव करण, ये घर मेरा नहीं है। तू सही पते पर पहुँची है पर गलत आदमी से मिली है। मुझे पता था तू यहाँ आने वाली है, और देख तुमसे पहले मैं यहाँ पहुँच गया। मेरी पत्नी को मार कर शुरुआत तूने की, लेकिन इसे खत्म मैं करूँगा। रघु डिटेक्टिव पर वार करता है, तभी डिटेक्टिव उसे चकमा देता है और रघु के मुंह में हाथ डालकर चुड़ैल को बाहर खींच लेता है। तूने रघु को तो बचा लिया डिटेक्टिव, पर खुद को कैसे बचाएगा? हाँ, उसकी चिंता तू ना कर, उसका पूरा इंतजाम है मेरे पास। तांत्रिक वांत्रिक तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा क्या इंतजाम है? डिटेक्टिव अपना मोबाइल निकालता है और उसमें चुड़ैल को खींच लेता है। चुड़ैल मोबाइल में कैद हो जाती है और चिल्लाने लगती है। हाय रे, हाय, कहाँ फंस गई मैं, निकालो मुझे बाहर।
ये तो उस मकान से भी छोटा है। मैं डिटेक्टिव हूँ चुड़ैल, मैं तांत्रिक बिंत्रिक नहीं करता, स्मार्टफोन रखता हूँ। इस फोन में ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बड़े से बड़े भूत को कैद कर सकता है। साहब आपने चुड़ैल को कैद तो कर लिया, पर उसे मारोगे कैसे? वो फिर बाहर आ गई तो? उसकी चिंता ना कर छोटे, मैं चुड़ैल की वीडियो डिलीट कर देता हूँ। नहीं 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 नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो छोड़ दो। डिटेक्टिव चुड़ैल को मोबाइल से डिलीट कर देता है। इस प्रकार डिटेक्टिव चुड़ैल को मार देता है और रघु के साथ साथ शहर को भी चुड़ैल के चंगुल से बचा लेता है।